हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और आपको सबसे पहले श्रावण मास के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज की न्यूज है, 22,000 भर्तियों के प्रस्ताव की कवायद शुरू। ठीक है, जो जब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने थे, उससे पहले तीरथ सिंह रावत जी ने 22,000 जो नियुक्तियाँ करने की जो है घोषणा की थी। तो अब जो है पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि मैं उन 22,000 पदों को पूरा जो है अपने कार्यकाल में पूरा करूंगा, जितने भी 22,000 पोस्ट हैं उनको पूरा भरूंगा। तो देख लेते हैं, कई विभागों में वर्षों बाद सामने आए हैं रिक्त पद। बैकलॉग के पदों को भरने के लिए भी सरकार के विशेष निर्देश। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या क्या है। विभिन्न सरकारी विभागों में 22,000 पदों पर भर्तियां करने के लिए सरकार का दबाव। अधिकारियों को सिरदर्द बना हुआ है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय बाद रिक्त पदों का पता चला है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय के भीतर इन विभागों में रोजगार के रास्ते खोलना है। दरअसल शहरी विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित कई तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें लंबे समय से समूह के पदों पर भर्तियाँ नहीं हुई है। साल दर साल यहाँ पद खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में विभागों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुल रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार करना है। सरकार का लगातार दबाव इस बात पर है कि जल्द संबंधित भर्ती एजेंसी के पास प्रस्ताव भेजा जाए। अब इस प्रस्ताव को तैयार करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत भर्तियों का रोस्टर और बैकलॉग के पदों को देखने में आ रही है। इस पर उन पदों के लिए जो है एलिजिबिलिटी और अन्य योग्यताओं को लेकर भी परेशानी कम नहीं है। अब यह है किस विभाग में कितने पदों पर होगी। विद्यालयी शिक्षा में आपके 5,499 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जो है 2,918 पद हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में 2,560 हैं। ऊर्जा में 2,021 हैं। चिकित्सा शिक्षा में 1,968 पद हैं। पुलिस में जो है 1,530, राजस्व में 790, शहरी विकास में 872, उच्च शिक्षा में 698, ठीक है, सिंचाई में 786, पशुपालन में 300, ग्राम्य विकास, कृषि, ये सारे पद दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने इतने जो पद हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके हैं विद्यालयी शिक्षा में, और उसके बाद आपका ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में। ठीक है, तो अब देखिए किसके कितने पद। कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, नलकूप, मिस्त्री चालक, प्रारूपकार, इसके 2,519 पद हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, लैब असिस्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन के 4,260 पद हैं। पटवारी, लेखपाल, अमीन के 754 पद हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3, 1,613 पद इनके हैं। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के 635 पद। कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अधियासी अधिकारी के 791 पद। प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,307। कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर के 1,021। वन आरक्षी, वन दरोगा, वन क्षेत्र अधिकारी के 2,224 पद। 2,224 पद, ठीक है। तो ये इसमें इतने इतने सारे पद हैं। तो इतने पदों पे जो है आपका जो है अब ये होना है, शुरू होना है। तो प्रदेश में 900 से ज़्यादा पदों पर शुरू होने जा रही है भर्ती। सरकार की रोजगार बढ़ाने की कोशिशों के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दिया। इसके तहत जल्द ही 900 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही है। UKSSC ने जो है भर्तियों के प्रस्ताव तेजी इस UKSSC के पास जो विभागों से भर्तियों के प्रस्ताव तेजी से आ रहे हैं। इस बीच आयोग ने भी इनका अध्ययन कर भर्तियों में तेजी लाने की कोशिशों में जुट गया है। आयोग ने अब मानचित्रकार के करीब 95 और फॉरेस्ट गार्ड के 890 पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। आयोग सचिव संतोष बड़ूनी ने बताया कि इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। कोशिश यह है कि अगले 3 माह में इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाए। बाकी प्रस्तावों का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसके हिसाब से अगस्त में कई जो है आपका कई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ठीक है,